हेलो एवरीवन, वेलकम टू होमवर्क कॉर्नर। चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट की बात कर लीजिए या किसी न्यूज चैनल की या किसी कंपनी का टर्नओवर ही ले लीजिए, आजकल नंबर्स को हम मिलियन या बिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, आखिर मिलियंस होते कितने हैं, कितनी जीरो होती है। सो, आज मैं आपका वही कन्फ्यूजन दूर करूंगी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वर्सेज इंडियन नंबर सिस्टम। हम जानेंगे कैसे हम जो नंबर्स हैं, मिलियंस वाले जो नंबर्स होते हैं, उनको कैसे रीड करते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इंडियन नंबर सिस्टम में हम नंबर को रीड करेंगे, कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारे मिलियंस और बिलियंस आते हैं, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे लैक्स, करोड़, अरब खरब, इतने नंबर्स को हम इंडियन नंबर सिस्टम में काउंट करते हैं। यहां पर मैंने दो नंबर लिखे हैं, दोनों नंबर सेम है, अगर जो डिफरेंस है वो सिर्फ कोमा का है। ऊपर वाले नंबर में मैंने पहले तीन नंबर के बाद फिर दो के बाद लगाया है, जबकि नीचे वाले नंबर में मैंने तीन तीन नंबर के गैप में लगाया है। पहला जो हमारा नंबर है वो है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, जबकि जो दूसरा नंबर है वो है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। जी हाँ, यहां पे होता है हमारा वन प्लेस होता है, यहां हमारा टेन, यहां थाउजेंड, उसके बाद हमने कोमा पुट किया है, फिर हमारा होता है यहां पे हमारा हंड्रेड होता है, यहां पे थाउजेंड, यहां पे टेन थाउजेंड, उसके बाद फिर हम कोमा लगा देते हैं, फिर हमारा लैक होता है और 10 लैक हो जाता है हमारा। यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम 100 के बाद दो दो डिजिट के बाद कोमा लगाना शुरू करते हैं, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम तीन तीन डिजिट के बाद कोमा लगाना शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा वंस प्लेस, ये हो गया ये हमारा हो गया 10 प्लेस, ये हमारा 100 प्लेस हो गया, ये हो गया हमारा थाउजेंड, ये हमारा हो गया 10,000, जबकि हमारा यहां पे हो जाता है 100,000। यानी कि तीन डिजिट के बाद हमने कोमा लगाया है, तो यहां पे हमारा थाउजेंड, यहां 10,000 और यहां पे 100,000, उसके बाद हमारा हो जाता है मिलियन शुरू, मिलियन के बाद हमारा हो जाता है 10 मिलियन और 10 मिलियन के बाद हो जाता है हमारा 100 मिलियन, ऐसे ही फिर बिलियन और हमारे नंबर आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। आइए, मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, पहले में हम कोमा पुट करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो मैंने बताया था पहले हम थ्री डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, फिर टू टू डिजिट के गैप में लगाते हैं। सो अब जो हम कोमा लगाएंगे वो यहां पर लगाएंगे, ये हमारा थाउजेंड प्लेस है और ये हमारा 10,000 प्लेस है, और ये जो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको कैसे रीड करेंगे हम, 28,76,543। जी हाँ, और नीचे वाले नंबर को हम करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, जहां पे मैंने आपको बताया कि तीन तीन डिजिट के में हम गैप पे कोमा लगाते हैं, तो 1, 2, 3 डिजिट। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2,876,543, ये हमारा वंस प्लेस हो गया, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000 और ये हमारा मिलियन। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 2,876,543। तो आपको डिफरेंस समझ में आया, इंडियन नंबर सिस्टम में हम पहले थ्री फिर टू टू डिजिट के गैप में कोमा लगाते हैं, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम थ्री थ्री डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं। कोमा के बाद अब हम देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये टेबल। वन प्लेस पे हमारा वन होता है, यानी कि कोई भी जीरो नहीं होती, टेन में हमारी वन जीरो होती है, हंड्रेड पे हमारी टू जीरो होती है यानी कि थ्री डिजिट होती है, थाउजेंड पे हमारी फोर डिजिट होती है। जैसा कि मैंने बताया कि थ्री डिजिट के बाद इंडियन नंबर सिस्टम में हम कोमा पुट करते हैं, 10,000 में हमारी फोर जीरो होती है और थ्री डिजिट के बाद हम कोमा पुट करते हैं, लैक में हमारी फाइव जीरो होती है और थ्री डिजिट के बाद हम कोमा पुट करते हैं, उसके बाद टू टू डिजिट पे करते हैं।
10 लाख में हमारी 6 जीरो होती है, यहां पर 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद। ऐसे ही हमारे करोड़ में 7 जीरो होती है, 3 डिजिट आफ्टर 2 डिजिट के गैप में हम कोमा लगाएंगे। ऐसे ही 10 करोड़ में हमारी 8 जीरो होती है। सो अभी ये पता करना इजी हो गया कि 10 करोड़ में हमारी 8 जीरो होती है, करोड़ में 7, 10 लाख में 6, लाख में 5, 10,000 में 4 और 1,000 में 3, 100 में 2 जीरो होती है। ये है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, जहां पर हम 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के गैप में कोमा लगाते हैं। इस टेबल को अच्छे से रीड करने के बाद हम किसी भी जो फिगर नंबर होता है उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं और वर्ड्स को हम फिगर में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल नंबर लिख रही हूँ, 987652 6। अब यहाँ पे हम कोमा पुट करेंगे, 3 डिजिट फिर 2 2। अब इसको पढ़ना बहुत इजी हो गया, यहाँ पे हमारा होता है वंस प्लेस। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, यानी के 98,76,526। इंग्लिश को इसमें कैसे रीड करेंगे, 98,76,526। सो हो गया ना इजी आफ्टर इस टेबल के बाद। और हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे क्या आएगा, लैक आएगा, क्योंकि मैंने बताया 10 लैक में हमारे 6 नंबर्स होते हैं पीछे, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो प्लेस है वो 10 लैक का प्लेस है, यानी कि 98,76,526। जब भी हम किसी भी डिजिट को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं तो पहले हम पढ़ते हैं वन के कितने नंबर्स पीछे आ रहे हैं, मतलब आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें पता चल जाता है कि जो 7 है इसके बाद जो 6 नंबर, इसका मतलब ये 10 लाख का प्लेस है, यानी कि 98,76,526। आइए अब ऐसी ही एक टेबल देखते हैं हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। आइए अब हम देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये टेबल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम 3 डिजिट के बाद कोमा पुट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोमा पुट करने का क्या बेनिफिट होता है, जब हम नंबर्स को फिगर में या वर्ड्स में लिखते हैं सो कोमा से हमें उन नंबर्स को रीड करने में इजी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 डिजिट के बाद बताया है कोमा आता है। सो ये और हमारा 10,000 तक हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल दोनों में सेम होता है। इंडियन नंबर सिस्टम में हमारा 10,000 के बाद लैक शुरू हो जाता है, लेकिन यहां पर हमारा क्या है, 100,000 शुरू हो जाते हैं इंडियन नंबर, सॉरी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। यहाँ पे हमारी कितनी जीरो है, 5। उसके बाद हमारी 3 जो है डिजिट के बाद हमने कोमा पुट किया, 6 जीरो है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 1 मिलियन। उसके बाद ऐसे ही हमारा 10 मिलियन हो गया, 100 मिलियन, और 100 मिलियन के बाद आता है 1 मिलियन। यहां पर मैंने 3 डिजिट के बाद जो है कोमा पुट किया है। सो 1 मिलियन में हमारी होती है 9 जीरो, 100 मिलियन में होती है 8 जीरो, 10 मिलियन में होती है 7 जीरो। सो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 1 मिलियन, ये 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन, 100,000 मिलियन। सो ये था हमारा इंटरनेशनल नंबर के सिस्टम के अकॉर्डिंग एक टेबल थी। ये हमारी हेल्प करेगी ये जानने में कि कैसे नंबर्स को हम इजीली फिगर या वर्ड्स में रीड कर सकते हैं। आइए अब इस टेबल को देखते हैं। नीचे मैंने जो नंबर्स लिखे हैं वो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है और ऊपर जो मैंने नंबर्स लिखे हैं वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे पीरियड्स हैं और यहाँ पे हमारे प्लेस है। पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो पीयर्स होते हैं हमारे मिलियंस, थाउजेंड, वंस। वंस में हमारा सेम होता है, वंस, टेन, हंड्रेड। थाउजेंड में हमारा थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। और मिलियंस में हमारा मिलियंस, टेन मिलियंस, हंड्रेड मिलियंस। उसके बाद हमारा बिलियन आता है। ऐसे ही हमारी जो इंडियन नंबर सिस्टम है यहां पर दोनों में सेम है। यहां पर भी वंस है, यहां पर भी वंस है। यहां पर टेन है, यहां पर भी 10 प्लेस है। यहाँ 100 प्लेस है, यहाँ पर भी 100 प्लेस है। यहाँ 1000, यहाँ पर 1000, 10,000, 10,000। मैंने आपको पहले भी बताया कि 10,000 तक जो हमारे नंबर्स होते हैं, यानी कि उनको हम सेम रीड करते हैं, चाहे वो इंडियन नंबर सिस्टम में हो या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। यहाँ तक जो डिजिट होती है हमारी 10,000 तक, उसको सेम रीड करते हैं। उसके बाद जो हमारे नंबर्स जो है चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा 10,000 के बाद लैक्स हो जाता है। अगर हम पढ़ें तो हमारा जो 1 लाख है
इंडियन नंबर सिस्टम में हमारा जो 1 लाख है वो 100,000 के बराबर होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, हमारा 10 लाख होगा 1 मिलियन के बराबर, यह हम कह सकते हैं हमारा 1 मिलियन होगा हमारा 10 लाख के बराबर, ऐसे हमारा 10 मिलियन होगा हमारा 1 करोड़ के बराबर, या ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ होगा हमारा 10 मिलियन के बराबर, और हमारा जो 10 करोड़ है वो होगा हमारा 100 मिलियन के बराबर। सो इस टेबल के बाद हमें ये भी अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा 1 लाख किसके बराबर होता है 100,000 के बराबर, और 10 लाख किसके बराबर होता है 1 मिलियन के बराबर। आई होप आपको ये वाली जो टेबल है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये जो टेबल है इसको अच्छे से रीड करने के बाद हम इजिली किसी भी जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी जो नंबर्स है फिगर्स को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि कैसे हम इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नंबर्स को वर्ड्स में और वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको फिगर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उनको सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये है 5,005,005। इसको हम फिगर में कैसे लिखेंगे, पहले हमारा है 5 मिलियन, ठीक है, उसके बाद हम कोमा पुट करेंगे क्योंकि हमें पता है ये 5 मिलियन सिर्फ 1 डिजिट में है, ना 10 है ना 100 है। उसके बाद है 5,000, कितना है हमारा 5,000 है, सो यहां पे भी 0 यहां पे भी 0। अब आप पूछेंगे कि मैंने यहां पे 0 क्यों लगाई, क्योंकि हमें यहां पे 5,000 दिया हुआ है ओनली, ना हमें 10 प्लेस कहा गया है ना हमें 100 प्लेस दिया हुआ है, और 5 तो यहां पे ना 100 प्लेस की वैल्यू दी ही है ना 10th प्लेस की, सीधा हमें 1st प्लेस की वैल्यू दी गई है, तो ऐसे लिखेंगे हम। और देखो मैंने जो कोमा है वो 3 डिजिट के बाद ही पुट किया है, सो ये हो गया हमारा 5,005,005। अगर मुझसे यहां कहा जाता 5 की जगह कि 25,000, तो मैं यहां पर 0 करती और यहां पे 25 लिख देती, क्योंकि मुझे 10th प्लेस की वैल्यू दी गई है, 10,000 प्लेस की वैल्यू गिवन है, लेकिन सिर्फ यहां पे 5,000 बोला इसलिए कुछ भी नंबर नहीं है, तो उसकी जगह हम लगा देते हैं 0। समझ आया बच्चों? जी हाँ बिल्कुल। अगर मुझसे कहा जाता कि यहां पे 25 मिलियन, कितना 25 मिलियन, तो मैं फिर यहां लिखती 25 मिलियन 5,005। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, 52,205,006। इसको हम वर्ड्स में फिगर में कैसे लिखेंगे, अच्छा देखो यहां पे कितना लिखा हुआ है 52, सो पहले हम 52 लिख लेते हैं, मिलियंस है, फिर 205 को कैसे लिखेंगे हम, 205 को कैसे लिखेंगे ऐसे 1000, और 6 को तो ऐसे ही लिखते हैं। अब यहां पे 6 लिखना शुरू, यहां से हम लिखते हैं 52 मिलियंस, ठीक है ये कंप्लीट है 205,000, ठीक है 6, अब 6 के बाद हम यहां 0 लिखेंगे क्योंकि ना तो 10 दिया हुआ है ना 100 प्लेस की वैल्यू दी हुई है, तो ऐसे लिखेंगे। एक बार फिर से देखें, 52,205,006। अगर हमें कहा जाता 196, यहां पे लिखा था 196, तो फिर हम यहां 196 लिखते। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे 9875,6276, इसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब हमें किसी भी फिगर को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप कोमा का ध्यान रखें, पहले हम कोमा पुट करें, और आपको पता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट के बाद हम कोमा लगाते हैं। जी हाँ, अब ये हमारा लिख दिया हमने, कोमा लगा दिया है, अब इसको रीड करते हैं, तो हमें पता है कि ये हमारा होता है 1 प्लेस, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000, इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000, उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन, तो कैसे लिखेंगे इसको वर्ड्स में, 98,765,276, ठीक है एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूं, 98,765,276। अच्छा अगर सेम नंबर यही लिखा हो और इसको मुझे इंडियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे वर्ड्स में, तो हमें पता है इंडियन नंबर सिस्टम में पहले हम 3 डिजिट के बाद कोमा, उसके बाद 2 डिजिट के गैप में कोमा लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोमा लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें जो नंबर्स हैं
उनको रीड करना बहुत ही आसान हो जाता है। सो अभी करें इसको, यहाँ पे हमारा वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड के बाद इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आता है, लैक, टेन लैक, और ये हो गया हमारा करोड़। सो ये हमारा हो गया 9,87,65,276। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मैंने लिखा है 22,56,78,942। ये इंडियन नंबर सिस्टम में है क्योंकि यहां पर हमारा करोड़ लाख आ रहा है। सो पहले लिखा है 22 करोड़, उसके बाद 56,78,942। इजी है ना? जी हाँ। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको कैसे रीड करेंगे हम। 3,4,7,6,9,8,7, ये मैंने एक नंबर लिखा है, इसको हम इंडियन और इंटरनेशनल दोनों नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे, पहले हम कोमा पुट करते हैं। कोमा हमारी जो है ना सबसे अच्छी हेल्प करता है रीड करने में। विदाउट कोमा होना हमें डिजिट का पता नहीं चलता कि कितनी डिजिट है, उसमें कितने नंबर्स हैं। अब अगर इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको रीड करना हो तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 34,76,95,987। अगर इसी नंबर को मुझे इंटरनेशनल में करना होता तो मैं क्या करती, ये जो कोमा है ना इसको इधर पुट लगाती मैं, और ये पूरा तीन डिजिट का हो जाता। फिर इसको कैसे पढ़ते हम, 347 मिलियन, कितना, 347,695,000, कितना, 695,000, और 987। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इंडियन और इंटरनेशनल दोनों नंबर सिस्टम का डिफरेंस। इससे आप इजीली अपने सारे जो क्वेश्चंस है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, सबको इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेशन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी